For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss a video from Bollywood Spy. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। बिग बॉस के घर में इन्होंने याद दिला दी सबकी नानी। दोस्तों, इस हफ्ते घर से बेघर हुए हैं हितेन तेजवानी। मैं हूँ राहुल भोज, बातचीत करेंगे हितेन सर के साथ एक्सक्लूसिवली ऑन बॉलीवुड स्पाई। तो हितेन जी, सबसे पहले तो स्वागत है बॉलीवुड स्पाई में। जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले जानना चाहेंगी ऑडियंस की आपकी जर्नी कैसी रही सर, थोड़ा सा बताएं। जर्नी बहुत अच्छी रही, बहुत बढ़िया रही, मज़ा आया। एक यू नो, बहुत ही पेशेंस वाला, काम कूल इंसान बन के गया था और उससे डबल पेशेंस, डबल कूल, डबल काम वाला बन के बाहर निकला। एंड आई रियली अप्रिशिएट सर, जैसे आप टेलीविजन में दिखते हैं आप वैसे ही हैं जिंदगी में, ऐसा देख के कन्फर्म हो गया। सर, दूसरा क्वेश्चन है हिना खान से रिलेटेड। हिना खान ने बोला कि विकास को आप फॉलो कर रहे हैं, स्पाइनलेस क्रेचर एंड ऑल, क्या कहना चाहेंगे उस बात को लेकर, आपकी क्या राय है, थोड़ा बताएं। मेरा ख्याल है लोगों को बोलना बहुत आसान है, उन्हें पता नहीं होता ना वो, और पीठ पीछे बोलना नहीं चाहिए। देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है लोगों ने देखा होगा, मैंने कभी उसकी बात मानी नहीं, मैंने अपनी मर्जी से किया। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होता था कि उसको कुछ होता था या उसे जब लड़ाई झगड़ा करता था तो मैं उसे एडवाइस देता था, मैं उसे समझाता था, तो मैं कभी उसको फॉलो किया नहीं। अगर ऐसे ही होता तो इतनी बार उसके डिसीजंस और मेरे डिसीजंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहा है, कितनी बार ये बात हो जाती है कभी कभी। आप समझो, फॉर एग्ज़ाम्पल, इतने दिनों से किसी के साथ रहते हो और आप एक ही बेड शेयर कर रहे हो, तो आप बातें करते हो, आपके थॉट्स कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी आप म्यूचुअली अग्री कर जाते हो किसी पॉइंट पे। हमारा वो होता था कि उसकी भी सोच मेरी भी सोच सेम डायरेक्शन में होती थी, तभी हम लोग का तालमेल अच्छा था। अगर होता तो हम भी नहीं आपस में लड़ रहे होते कि नहीं यार ये बात नहीं है, नहीं यार वो बात नहीं है, ये बात नहीं है, वो बात नहीं है, लेकिन हमारा तालमेल था, हमारा वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, वो अग्री करते थे एक बात पे। तो उसको अगर फॉलो करना बोलते हैं तो मुझे पता नहीं। सर, चर्चा तो ये भी आ रही है कि अगर आप बाहर निकले हैं तो कहीं ना कहीं विकास गुप्ता के कारण हुआ है ये सब, और विकास चाहते थे कि वो उनकी तरह आप खेलें और आप अपना अलग ना खेलें, ऐसा है क्या कुछ? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये इत्तेफाक की बात है। और ये ऐसा हो गया कि विकास और मैं अलग अलग टीम में हो गए और अर्शी के पास सिर्फ एक ही चॉइस थी, या तो विकास को बचाती या मुझे बचाती, तो उसकी लॉयल्टी विकास की तरफ पहले है, डेफिनेटली विकास को बचाएगी मुझे, मैं इस टीम में था तो इस टीम को जाना था। पूरे हाउस में देखा जाए तो एक तो बन गई शिल्पा की टीम, एक बन गई हिना की टीम, ठीक है। अगर मैं नेचर की बात करूँ तो कैसा है शिल्पा शिंदे का बिहेवियर, कैसा है अर्शी खान का, जो हमें दिखाते हैं टेलीविज़न में, क्या वो वैसा ही है या क्या है? हाँ, मुझे लगता है आप, खैर आप 45 मिनट्स देखते हैं या 34 मिनट्स देखते हैं, आधा घंटा देखते हैं, बट हम 24 घंटे जो दिखाते हैं कि भाई शिल्पा जो करती हैं वो वाकई में वैसा होता है, अर्शी खान जो करती हैं वाकई में वैसा होता है, तो वो है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है या मिला जुड़ा के कुछ कर रहे, घर में वो हो रहा है। शिल्पा का नेचर कैसा है अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका उनकी उन्हें उनका कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी, जैसे उन्हें कहा जाता था ना, कभी भी कुछ भी कर देंगे, कभी भी फ्लिप होती हैं वो, थोड़ी सी बहुत ही अलग टाइप की लगती हैं, थोड़ी सी अलग से सोचती हैं, थोड़ा सा कुछ अलग कर देती हैं, उनको लगता है कि जो ये लोग बोल रहे हैं मैं वो नहीं मानूंगी, मैं कुछ अलग करूंगी, तो वो करती हूँ। तो सर, कहीं ना कहीं ये है क्या कि क्या हिना खान एरोगेंट है? एरोगेंट तो मुझे पता नहीं, हो सकता है जैसे उन्होंने कहा है और बहुत बार रिपीट की है लाइंस, तो आप उस कैटेगरी में बोल सकते हो। उन्हें मेरे साथ तो नहीं दिखाई उन्होंने कोई एरोगेंस, बट हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे बहुत सारी बातें उनकी फेक लगी, फेक है। अर्शी खान की बात करते हैं तो अर्शी खान का एक अलग चैप्टर शुरू हुआ था सर, और आप दोनों के जो जिस तरीके से दिखाया जा रहा था वो बहुत ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट था, उन वो सबसे ज़्यादा शायद आपको मिस करने वाली हैं बिग बॉस हाउस में, उस बारे में आपका क्या कहना है, अर्शी के बारे में आपको क्या कहना है? अर्शी बहुत गलत फहमी थी शुरू से, थोड़ा सा उनका बिहेवियर था वैसा, पर धीरे धीरे उनका बिहेवियर चेंज हुआ और उन्होंने जो बात कही थी वो मेंटेन की और रिस्पेक्ट करती हैं, वो रिस्पेक्ट करती रहीं, एंड तक लॉयल रहीं, एंड तक सपोर्ट करती रहीं, तो ये उनमें बहुत, ये जो उनकी बात है वो मैं क्लियरली बोलूँगा फेस पे कि हाँ
ये उनकी बात थी, वो जो एकदम क्लियर थी, हाँ वाकई में वो हैं वैसी। अब वो मिस करेंगी, आई एम श्योर वो ज़रूर मिस करेंगी। सर अर्शी और शिल्पा दोनों की अभी बीच में बहुत ज़्यादा चल रही है लड़ाई, और उस बारे में क्या कहना है, कौन सही है कौन गलत, आपको क्या लगता है? देखिए क्या है कि सलमान सर ने भी एडवाइस किया था कि दो औरतों के बीच में तो पढ़ना ही मत, सबसे पहले तो फंसेगा तू ही या फंसेगा वो जो पढ़ता है। तो इसमें अगर एक बात शुरू करती थी अर्शी तो डेफिनेटली शिल्पा भी जवाब देती थी, और जवाब देना वाजिब है, दोनों का जिस तरह का बहुत ही अपोजिट टाइप का नेचर है और दोनों बहुत स्ट्रांग लेवल हेडेड है। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि भाई अर्शी बोलती थी बहुत बार, और बहुत बार ऐसा हुआ कि शिल्पा भी बोलती थी, कुछ ऐसा बोलती थी मुझे पता है उन्हें कि वो उससे गुस्सा हो जाती थी, वो गुस्सा हो जाती थी, तो ये दोनों का चलता रहता था आपस में। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया कि कोई बात ही नहीं थी और अर्शी बोलती थी, तो जो मुझे भी नहीं था, इसीलिए मैंने वो और झगड़ा ना हो मैंने एक बहुत बड़ी बात छुपा के रखी थी, जो मैंने शिल्पा को सुरक्षित किया था और बोल दिया कि अर्शी को किया है, ये बचाने के लिए। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि हैप्पी फीस कॉलर फीस ही उड़ा देगा पूरा। सीरियसली सर ये जो एलिमिनेशन है, मैं ऑडियंस का व्यू लेता हूँ, तो मुझे सबने ये बोला था कि इस हफ्ते जो जाएगा वो लव जाएगा, आपका एकदम सुन के ना पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्या रीज़न हो सकता है, आपको क्या लगता है? पता नहीं अब क्या रीज़न है, मैं मुझे ऐसा लगता है कि लव को बहुत सारे मैंने सुना कि बहुत अच्छे वोट्स आए और लोगों ने सपोर्ट किया, तो पता नहीं हो सकता है कि मैं जो कर रहा था मुझे लगता है थोड़ा उससे भी बदतर करना चाहिए था, तो शायद मुझे लोग सपोर्ट करते। अब आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, क्योंकि मुझे दिख ही नहीं रहा है कि लव कुछ कर भी रहा है, तो अगर वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर यार उसके फैंस बहुत कमाल के फैंस हैं। मैं बोलूँगा कि यार हर कंटेस्टेंट को अंदर ऐसे फैंस मिल जाएं जो उसको सेव करते हैं तो दूसरों को भी सेव करते रहें। बट मुझे साफ कहता हूँ, मुझे उनकी कोई गेम नज़र नहीं आई, उनका एक मैंने देखा कि उनकी एक ये है कि अगर सब लोग बोलेंगे कि आज शाम को सूरज निकलेगा तो सब बोल देंगे, वो बोलेंगे नहीं आज शाम को तो सूरज नहीं निकलेगा चंद्रमा निकलेगा, तो वो गेम चेंज हो गई उनकी। तो ये ऐसा करते थे। तो एनी वे शिल्पा शिंदे चालाक, अर्शी खान बहुत बदमाश है, विकास मास्टरमाइंड, हिना फेक, पीयूष कौन है, पुनीश अच्छा पुनीश, मैं मतलब ये कोई नया आया क्या मेरे जाने के बाद, अच्छा हाँ पुनीश ऑन द फेस है और बहुत गुस्से वाला है और कुछ भी बोल देता है, बदतमीजी बहुत करता है, मतलब गाली गलौज बहुत करता है, तो वो नहीं करना चाहिए, तो उसको क्या बोलते जो भी बोलते हैं वैसा है वो। आकाश बेवकूफ, लव का कोई दिमाग ही नहीं है तो छोड़ो जाने दो, है लव है शो में। प्रियांक थोड़ा अच्छा खेलेगा तो बहुत कुछ कर सकता है, मगर उसकी गेम अच्छी नहीं है तो नहीं, कुछ उसके लिए कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच। हाय मैं हूँ जितिन तेजवानी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई, लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। सो दोस्तों ये तो थे हितेन तेजवानी और इनका इंटरव्यू तो आपने सुन लिया होगा। हितेन तेजवानी के बारे में आपका क्या है कहना नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। सिंपल सी बात है, चैनल आपका चैनल है बॉलीवुड स्पाई, और हाँ एक और चैनल है जो कि आपका हो सकता है जिसका नाम है फिल्मी यारा, FILMY फिल्मी यारा, YAARA। तो फिल्मी यारा में जाकर भी आप अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं और एंटरटेनमेंट का और डोज ले सकते हैं। मेरा नाम है राहुल भोज विद कैमरामैन दीपेश।